हेलो फ्रेंड्स, शिवू टेक में आपका स्वागत है। आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये मोबाइल मैंने अमेजन से बाय किया है ऑनलाइन, जिसका प्राइस 19,999 पड़ा है हमको, जिसका पेमेंट मैंने ऑनलाइन किया है क्रेडिट कार्ड द्वारा, जो नो कॉस्ट यहाँ पर हमें मिला है, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेज मुझे नहीं देना पड़ रहा है। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर मोबाइल कैसा दिख रहा है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स दिया गया है MI के द्वारा। बॉक्स ओपन हो चुका है, ये मोबाइल का इनवॉइस है, इसमें मोबाइल का प्राइस डिटेल दिया गया है। बॉक्स ओपन हो चुका है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसमें एक मोबाइल बैक कवर दिया है जो एवरेज क्वालिटी का है। एक इजेक्टर पिन दिया हुआ है। यह चार्जर एडाप्टर है जो कि 33 वाट का फास्ट चार्जर है, और यह USB केबल दिया हुआ है। यह रहा Redmi Note 10 Pro Max। भाई, दिखने में तो स्लिम है। इसका वेट 196 ग्राम है, जो कि ज़्यादा ना कम है, जो कि आज के हिसाब से ठीक है। भाई, बैक कैमरे का लुक बहुत बढ़िया है और अट्रैक्टिव भी है, मुझको तो बहुत पसंद आया है। इसका कैमरा दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी मोबाइल ऑन कर रहे हैं, तब तक इसका फीचर डिटेल हम बताते हैं आपको। रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, एंड फ्रंट 16 मेगापिक्सल का है। जो लोग शॉर्ट्स, वीडियो, रील्स, ब्लॉग बनाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मोबाइल है इतने सस्ता में। इसमें यह सब फीचर्स दिया हुआ है, जो कि इसके लिए अलग से एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन साइज 6.67 इंचेज है, जो कि सुपर अमोल्ड फुल HD डिस्प्ले है। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 11 है, जो कि प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 732G है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका स्पीड 1.3 GHz स्पीड प्रोसेसर है। नोट 10 प्रो मैक्स दो वेरियंट में आता है, एक 6 GB 128 GB इंटरनल और 8 GB 128 GB इंटरनल में है। इसका बैटरी 5020 mAh का है। सेटअप कंप्लीट हो चुका है और मोबाइल भी फुली तरह ऑन हो चुका है। इसमें दो स्पीकर दिया हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, जो कि स्टीरियो स्पीकर है, जिसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसमें सी टाइप चार्जर सपोर्ट दिया हुआ है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में पावर बटन पे ही दिया हुआ है। इसमें साइड में सिम और मेमोरी लगाने के लिए दिया गया है। इसमें दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड दोनों एक साथ में लगा सकते हैं।